बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिज़नेस लॉ का सब्जेक्ट का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसका हम कंट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में पढ़ा था कि कंट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, और प्रॉमिस किसे कहते हैं, एग्रीमेंट किसे कहते हैं। आज हम कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीमेंट वर्सेस कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। और पॉइंट डिस्कस करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का टॉपिक एग्रीमेंट वर्सेस कंट्रैक्ट। सबसे पहले ये बेसिस हैं जी कंपैरिजन की, ठीक है। ये पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ पे एग्रीमेंट है और ये क्या है, कंट्रैक्ट है। सबसे पहले सेक्शन की अगर बात करें तो जो एग्रीमेंट है वो सेक्शन 2E है, किसका, कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ठीक है। कंट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 2E है, जिसमें को जो एग्रीमेंट को डील करता है, और कंट्रैक्ट का जो सेक्शन है वो सेक्शन 2H है, कंट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। देखिए एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले मतलब समझे आसान जबान में। देखिए मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल आसान करके समझाऊंगा। एक तो कंट्रैक्ट की डेफिनेशन की वर्डिंग जरा डिफरेंट होती है, मुश्किल होती है, लेकिन आसान जबान में आप देखिए एग्रीमेंट किसे कहते हैं, व्हेन अ प्रपोजल मेड टू अनदर पर्सन, ठीक है। ये सिंपल ऐसे ही है, आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हैं, आपने किसी को कोई प्रपोजल भेजी है कि मैं आपको पेन सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो दूसरे शख्स ने क्या किया, अदर पर्सन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अदर पर्सन एक्सेप्टेड इट, इट बिकम्स एन एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट सिंपल से है कि जब भी आप किसी शख्स को प्रपोजल करें और उसने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ली हो, ठीक है, तो वो क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। अब एग्रीमेंट में दो चीजें आती हैं हमारे पास, ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यहां पे प्रपोजल का मतलब क्या है कि आपने ऑफर की है, जब भी आप किसी शख्स को ऑफर करें वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट। यहां पे एक और चीज है, देखें एग्रीमेंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस, ठीक है। अब प्रॉमिस क्या, प्रॉमिस किसे कहते हैं, जब भी आप किसी शख्स से कोई बात करते हैं, कोई ऑफर करते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस कहलाता है। उसी प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन हो जाए तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है। जबकि कंट्रैक्ट में क्या है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कंट्रैक्ट उसी सूरत में होगा जब वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, इट मीन कि उसकी कोर्ट में इन्फोर्सिबिलिटी को चैलेंज किया जा सकता हो, या इसका मतलब ये भी है कि एक पार्टी अगर ब्रीच करती है कंट्रैक्ट को तो दूसरी पार्टी उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है, तो इसको क्या कहेंगे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ, या दूसरे मीनिंग में रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट उसको रिकॉग्नाइज करेगी तो समझा जाएगा कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इस वही कंट्रैक्ट, वही एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा वो क्या कहलाएगा, कंट्रैक्ट कहलाएगा। ये आसान सा मतलब है। स्टेटस क्या है जी, एन एग्रीमेंट इज ऑफन अनरिटन। मोस्टली केसेस में क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, अनरिटन होता है, एन इनफॉर्मल बिटवीन द पार्टीज। इनफॉर्मल होता है, मसलन आपने किसी को कोई चीज बेचने के लिए ऑफर की, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो सिंपल ये क्या हो गया, अनरिटन या वर्बल जैसे कहते हैं, वर्बल एग्रीमेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली एग्रीमेंट क्या होता है, अनरिटन और इनफॉर्मल होता है और वर्बल होता है। इसकी निस्बत कंट्रैक्ट इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट। कंट्रैक्ट क्या है, एक फॉर्मल होता है एंड नॉर्मली रिटन एंड रजिस्टर्ड। तो मोस्टली केसेस में क्या होता है, ये रिटन और रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, स्टाम्प पेपर पे होता है या दूसरे जो भी राय हैं, इस तरह से कंट्रैक्ट बनता है। तो कंट्रैक्ट एक फॉर्मल अरेंजमेंट है, नॉर्मली रिटन और रजिस्टर्ड भी होता है, दोनों सिचुएशन में होता है। देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एग्रीमेंट में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो ऑफर होगी और वही ऑफर जब एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट, ठीक है। और कंट्रैक्ट में क्या होगा, एग्रीमेंट प्लस
प्लस इनफोर्सबिलिटी होगी तो वो क्या बनेगा, कंट्रैक्ट बनेगा। अगर आपके एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाई लॉ है, पहले भी बता चुके इनफोर्सेबल के उसको कोर्ट रिकॉग्नाइज करती हो या एक पार्टी अगर ब्रीच करती है तो दूसरी के पास राइट है कि वो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफोर्सबिलिटी। तो एग्रीमेंट में जब इनफोर्सबिलिटी होगी तो वो क्या बनेगा, कंट्रैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लीगल ऑब्लिगेशंस मे और मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस। अब देखें एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, ठीक है, अब उसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट, लीगल ऑब्लिगेशन से क्या मुराद है, कानूनी जिम्मेदारियां कि दूसरी पार्टी के ऊपर कानूनी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती। तो एग्रीमेंट आपके दो तरह के होते हैं। नंबर वन पे है जी हमारे पास सोशल एग्रीमेंट, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट मोस्टली किन के दरमियान होते हैं जी, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, कुलीग्स। ये मसलन कौन सा सोशल एग्रीमेंट, आपके दोस्त की शादी है, उसने आपको इनवाइट किया, ठीक है, आपने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, अब ये एग्रीमेंट हो गया, आप नहीं गए तो आपका दोस्त क्या है, आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता कि आप मेरी शादी पे क्यों नहीं आए। तो ये क्या कहलाते हैं, सोशल सोशल एग्रीमेंट है, इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती। दूसरी एग्जांपल क्या है, आपके दोस्त ने आपको इनवाइट किया डिनर के ऊपर, आपने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन आप नहीं जा सके, तो ये भी क्या है, सोशल एग्रीमेंट है, उसके खिलाफ आपके ऊपर दोस्त मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं कर सकता। दूसरा जो एग्रीमेंट होता है वो है लीगल एग्रीमेंट। तो लीगल एग्रीमेंट क्या होता है, ये फॉर्मल एग्रीमेंट होता है जिसमें लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, एक पार्टी ने घड़ी बेचनी है दूसरी पार्टी को तो दूसरी ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया जी, एग्रीमेंट, और वो इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो लीगल एग्रीमेंट में क्या है, लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं, जबकि सोशल एग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं होती। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में ये कंफर्म है कि इसमें हर हाल में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होगा भी, जो लीगल एग्रीमेंट होगा उसमें इनफोर्सिबिलिटी होगी, वो जाके क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये दोनों में मेजर डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी कंसिडरेशंस, ठीक है। अब कंसिडरेशन किसे कहते हैं, समथिंग गिवन एंड टेकन, जब भी एग्रीमेंट होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें एक पार्टी कुछ दे रही होगी, दूसरी पार्टी कुछ ले रही होगी, ठीक है। तो एग्रीमेंट में कंसिडरेशन क्या है, जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं उनमें कंसिडरेशन नहीं होती, और जो लीगल एग्रीमेंट होते हैं उसमें कंसिडरेशन लाजमी है, ठीक है। सोशल एग्रीमेंट में नो कंसिडरेशन, तो इस वजह से एग्रीमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। मसलन ए ने बी को घर बेचा है, तो ए के लिए बी से जो रकम लेगा वो क्या होगी, कंसिडरेशन होगी, और बी के लिए जो घर लिया है उसने तो वो कंसिडरेशन होगी। तो एग्रीमेंट, क्योंकि सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं लीगल एग्रीमेंट भी होते हैं, तो इसलिए इसमें कंसिडरेशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें कंसिडरेशन लाजमी होगी, कंसिडरेशन इज कंपल्सरी, इसमें कंसिडरेशन क्या है, लाजिम है। कंसिडरेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। वन अनदर क्या है, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, अब देखें ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जो सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ठीक है, इसलिए सारे एग्रीमेंट जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन क्या है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लाजमी होंगे, ठीक है, तमाम जो एग्रीमेंट होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन तमाम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट लाजमी होंगे। उसकी वजह है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्यों, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट लीगल होते हैं कुछ सोशल होते हैं, तो जो सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, इस वजह से कहा गया कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट।
तो इस लिहाज से अगर स्कोप को देखा जाए तो एग्रीमेंट की जो स्कोप है वो वाइडर देन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं और लीगल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट की स्कोप है वो एग्रीमेंट से नैरो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन से कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें कंसिडरेशन होती है, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट आ सकते हैं। एसेंशियल्स क्या है जी एग्रीमेंट की, इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब देखें लवाजमात उसके क्या है जो लाजम मलजूम है। एग्रीमेंट के लिए दो चीजें लाजमी है, एक ऑफर, ये दो चीजें, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगी तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। बाकी एसेंशियल्स पूरी हैं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्रीमेंट को। जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड ऑल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो एसेंशियल्स हैं वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में एसेंशियल्स पढ़ने वाले हैं, तो वो भी लेक्चर्स आपको गिवन होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। एसेंशियल्स क्या होंगी, मीन के कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में हो, ठीक है, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता हो, कोर्सियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, किसी को दबाव में आके आपने कॉन्ट्रैक्ट ना करवाया, ये सारी एसेंशियल्स कहलाते हैं। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो ये एसेंशियल्स का एक पूरा अलग से टॉपिक है, तो उसमें आप लोगों को तमाम एसेंशियल जो है कॉन्ट्रैक्ट की मिल जाएंगे। इफेक्ट क्या है, देखें इफेक्ट क्या होगा, एन एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज बाइंडिंग इन लॉ ऑन द रेलिवेंट पार्टी, ठीक है। करेक्ट, जो एग्रीमेंट है वो हमेशा बाइंडिंग इन लॉ नहीं होगा, क्योंकि उस पर लॉ हमेशा अमल नहीं करेगा, क्यों, ड्यू टू सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में हम क्या करते हैं, लॉ जो है इररेलीवेंट, इंप्लीमेंटेशन उसकी नहीं होता, पार्टीज बाउंड नहीं होती, तो इस वजह से एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज बाइंडिंग इन लॉ। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, हमेशा पार्टीज बाउंड होंगी अकॉर्डिंग टू लॉ। अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज इन बाइंडिंग इन लॉ ऑन द कंसर्न्ड पार्टी, जो भी रिलेटेड पार्टी होंगी वो क्या होंगी, कंसर्न होंगी, रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, अपना कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।